is required. Cash management is required. Because of cash is required. Because of cash is required throughout the year. But cash receipts take place occasionally. मतलब क्या है? Cash receipts कभी कभी होती हैं, लेकिन expenses पूरे साल होते हैं. इसलिए हमें cash management की requirement. Receipt तो कभी कभी होती है. जब पैसा मिलेगा भाई कुछ बिकेगा तभी तो receipt होगी. लेकिन expenses normal life में हम कह सकते हैं कि बिल भी क्या होगा उसके इसमें. सैलरी तो एक ही बात होती है. अच्छा महीने ठीक है. मतलब that is why we have to tell the cash. If you, a person is going to get the salary after every one or two pays, उसको जरूर दिखे. ये जो खर्च किए और ये जो खर्च किए कोई that is why it is a counter sales basically matters होती है या cash sales वाले जो होते हैं ठीक है या जो small vendor होते हैं they do not require to maintain the cash balance or cash flow. जो सेल आई उसे अच्छा हमें समझ परचेज कर लिया बाकी बच गया वहाँ पर ठीक है. ये समझ रिक्वायरमेंट कब है? वेन एवर द रिसीव्स ओकेजनली बट एक्सपेंसेस कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश. तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा मोटिव्स of holding cash. Cash को hold करने के मोटिव क्या क्या होते हैं? और कुछ मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश. एक तो पहले की इंस्टेंट की जरूरत पड़ गई एमरजेंसी पड़ गई ठीक है. बैंक में इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें से बेटर तो आप मार्केट में डालेंगे तो बेटर मिलेगा क्या? नहीं. हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश कैलकुलेशन.